तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं AIMIM पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में, कुछ अपडेट देना है। अगर आज डेट की बात करते हैं तो 9 अगस्त 2024 का आज डेट है और आज के दिन महाराष्ट्र के औरंगाबाद एयरपोर्ट पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुंच चुके हैं। जो उनका एक प्रोग्राम रखा गया था आज के दिन का महाराष्ट्र के औरंगाबाद के भीतर, क्योंकि अभी महाराष्ट्र के भीतर कुछ ही दिनों में या कुछ ही एक महीने के भीतर हो सकता है चुनावों का तारीखों का ऐलान हो सकता है, जिसको लेकर पार्टी तैयारी में जुटी हुई है। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से काम कर रही है। उसी के बीच बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुंचे। आप यहाँ पर देख सकते हैं उनके समर्थक पहुंचे हुए, फूल माला देकर उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर इम्तियाज जलील साहब जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, और अभी कुछ दिन कल की बात करते हैं तो वो नागपुर पहुंचे थे और वो महाराष्ट्र के अलग अलग कोने में जाने का काम कर रहे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, और आज का दिन का जो प्रोग्राम है महाराष्ट्र के औरंगाबाद के भीतर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, तो ये प्रोग्राम इसलिए रखा गया क्योंकि चुनाव को लेकर के, क्योंकि अभी अलग अलग पार्टी में मीटिंग चल रही है, चर्चा चल रही है टिकट को लेकर के, कितनी सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के अबू आसमी साहब वो मालेगांव जाकर वो लोगों को समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी के कम से कम 4 से 5 विधायक आप लोग दीजिए ताकि हमारे हाथ को मजबूत मिल सके, मजबूती मिले। उस दूसरी तरफ MIM पार्टी के विधायक जो है वो मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल साहब, और क्या उनको रिपीट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो इसी सब पर चर्चा चलेगी क्योंकि वक्त बहुत ही कम बचा हुआ है। और इसके बाद से फिर टिकट बंटवारा, टिकट दिया जाएगा जितने भी विधायक को टिकट देना उनको दिया जाएगा, उसके बाद से चुनाव प्रचार की प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। तो इसी बात को लेकर के जितने भी लोकल वहाँ के नेता है महाराष्ट्र के भीतर के, चाहे वारिस पठान साहब जो बड़े चेहरे हैं, उसके बाद से वहाँ का जो लोकल जो अभी फिलहाल 2 MLA है, और खुद इम्तियाज जलील साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इन सब के बीच जो है वो चर्चा होगी चुनाव को लेकर के। इसमें कोई और बात नहीं है क्योंकि चुनाव का दिन बहुत ही करीब है और चुनाव को लेकर चर्चा के लिए मीटिंग रखी गई है। और वहाँ के लोकल औरंगाबाद की कितनी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, सेंट्रल औरंगाबाद से किसको उतारा जाएगा, सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा। क्या इम्तियाज जलील साहब फिर से वो अपना हाथ आजमाएंगे विधायकी के चुनाव में, तो ये भी सवाल है कि इम्तियाज जलील साहब जो सांसद के चुनाव में लड़े थे संसदीय में, वो संसदीय का चुनाव हार गए, क्या वो विधायकी का चुनाव में लड़ेंगे या किसी और को लड़ाएंगे, और किन किन सीटों पर किन किन को टिकट दिया जाएगा, इस पे बात होगी। और कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो स्पष्ट इस मीटिंग से हो जाएगा कि कितनी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ने वाली है 2024 विधानसभा के भीतर AIMIM पार्टी। तो ये बहुत ही अहम बात बताई जा रही है इस बात को, इस मीटिंग को लेकर के, और ये मीटिंग का एक बहुत ही अहमियत बताया जा रहा है कि इसमें तय हो जाएगा आज के दिन कि किनकी किस्मत जो इस बार 2024 में पार्टी आजमाएगी, किस पर भरोसा जताएगी, उस पर एक मुहर लगेगा। फिर उसके बाद से जो प्रक्रिया फॉर्म वगैरह देने का, जैसे कि इम्तियाज जलील साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि हम इंतजार में हैं कि महाविकास आघाड़ी को हमने एक प्रस्ताव दिया गठबंधन के लिए, अगर उधर से अगर हाँ किया, अदर से अगर पॉजिटिव हमें आता है तो हम फिर साथ में चुनाव लड़ने को तैयार है, जितने भी हमारी बात हो जाए उसमें हम लड़ने को तैयार है, अगर उधर से कोई पॉजिटिव बात नहीं आती है तो फिर हम अकेले मैदान में लड़ने को तैयार है। तो ये अभी तो औरंगाबाद में पहुंचे हैं और मीटिंग में क्या होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो जो भी खबर निकल कर आएगी आज 9 अगस्त 2024 के दिन की, तो वो फिर उसे मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। MIM पार्टी के भीतर औरंगाबाद और महाराष्ट्र के भीतर क्या हुआ, क्या मीटिंग में फैसला लिया गया, जो भी होगा वो फिर से मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।